चावल के आटे की पूरी बनाने के लिए हमने लिया हुआ है 1 कप चावल का आटा। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे घी, तो घी की जो मात्रा है 2 बड़ी चम्मच है ये, अगर जब मेल्ट करेंगे 2 बड़ी चम्मच ही हो जाएगा। घी जो है जमा हुआ है तो पूरा भर के 1 चम्मच फिर भी लिया हुआ हमने, और इसको इतना हमें मिलाना है ये जो चावल के जो आटे हैं ना बाइंड होने लगे अपने आप से। इतना घी आप लोग मिलाएं, घी कम लगे थोड़ा सा और भी मिला सकते हैं, तभी ये खस्ता सा बनेगा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। आप लोग कसूरी मेथी अगर नहीं डालना चाहते तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़े से नमक। अब इन सबको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और देख पा रहे हैं ये अच्छे से हमने मिला लिया। अभी हाथों से इसको अच्छे से मिलाना है, और जब अच्छे से मिला लेंगे तब इसके बाद इसमें हम पानी से इसको गूथेंगे। तो फ्रेंड्स अब लोग देख पा रहे हैं अच्छे से मिल गया है, और जो पानी है मैंने अच्छे से मतलब बढ़िया से इसको गर्म होना चाहिए पानी, उस तरह से अच्छे से मैंने गर्म कर लिया। इसके बाद इसे चम्मच से मिलाएंगे क्योंकि बहुत ही गर्म है, तो इसीलिए इसको अभी चम्मच से मिलाएंगे और पानी जो है थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसको हम चम्मच से मिलाते जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत गर्म है। अब थोड़ा सा चम्मच निकाल लेंगे, थोड़ा सा हाथों से गूंथेंगे, जब थोड़े से जब मतलब ठंडे हो जाए हल्के से तब इसको हाथों से गूंथ लेंगे। थोड़ा पानी करके चम्मच से मिलाएंगे, उसके बाद हाथों से तो एकदम एकजुट बंद हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं अब इसको हाथों से अच्छे से गूंथ लेना है। तो आप लोग देखिए इसको मैंने अच्छे से हाथों से गूंथ लिया है, अभी भी ये गरम है तो इसीलिए अच्छे से हमने नहीं गूथा हुआ है, इतना अच्छे से बाइंड हो जाएगा जुट जाएगा तब इसको हम ऐसे ही करके ढक करके रख देंगे और थोड़ा सा इसमें छिट हो जाएगा और तब इसको अच्छे से गूथेंगे। हमने 10 मिनट छोड़ दिया था, अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब फिर इसको हम अच्छे से गूथ लेते हैं। अब आप लोग देखिए कितना अच्छा सा ये आटा तैयार हो गया, अच्छा सा मुलायम सा आटा ये अभी बन गया। अब गूथने में भी कोई दिक्कत नहीं है और इतना अच्छा देखिए लग रहा है। तो इसकी पूरी बहुत ही अच्छी लगती है, इसकी पूरी आप लोग छोले के साथ खाएं, जो चना का छोला होता है मटर के छोले के साथ और अच्छा लगता है। तो इसके बाद देखिए आटा हमने बना लिया है, अब इसके बाद ये चकला लेंगे और इस पर हम लोइयाँ बना लेंगे। तो जिस तरह से पूरी बनाते हैं उसी तरह इसको भी अब बना लेंगे, तो अभी बिल्कुल भी बनने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही खस्ता बनेगा और बेलने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। अब सभी को हम पेड़ों की तरह से बना देंगे, रख लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा चकले पे थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और आटा लगा करके इसको हम पूड़ियों की तरह से बेल लेंगे। देखिए इसी तरह से पेड़ों में रख लेते हैं और इसी तरह सभी पूड़ियों को हम बना लेंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी पसंद अगर आएगी तो भी हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, प्लीज लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसके बाद देखिए हमने सभी पूड़ियों को बना लिया है और बना करके रख लिया है। अब इधर हमने तेल भी अच्छे से गर्म कर लिया है, जिस तरह से हम आटे की पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से तेल इसका गर्म होनी चाहिए। अब इसमें डालते जाएंगे क्योंकि तेल गर्म नहीं रहेगा अच्छे से तो ये पूड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी नहीं, तेल भी गर्म होना चाहिए तो पूड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी। देखिए पूड़ियाँ हमारी सभी फूलती जा रही हैं, अब पलट लेंगे और निकाल लेंगे। तो देखिए पूड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो पूड़ियाँ बनाते गए हैं और पूड़ियाँ तुरंत गर्म ही खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडे में भी अच्छा लगता है लेकिन गर्म गर्म भी बहुत ही अच्छा लगता है छोले के साथ। सभी पूड़ियों को निकाल लेते हैं और ऐसे ही सभी पूड़ियों को हम तल लेंगे। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।